क्या मोबाइल पर डाउनलोड कर पुराण गीता श्री राम चितमानस इत्यादि पढ़ना चाहिए? पढ़ने से लाभ मिलेगा? हाँ तो लाभ तो ज्ञान तो कहीं से मिले, तो कोई दो राय नहीं, ज्ञान तो कहीं से मिले, ले लेना चाहिए। हम लोग भी पढ़ लेते हैं। हाँ आज हम और राधा सन जी दोनों बात कर रहे थे तो हमने कहा ये ग्रंथ पठनी है, इनका शंकर भाष्य गीता पर है, धर्मशास्त्र का इतिहास स्मृतियों में है, स्मृति सर्वसंग्रह है, हाँ आदि आदि। तो पढ़ने से स्वाध्याय की दृष्टि से, स्वाध्याय की दृष्टि से ही नहीं अपितु ये कोई स्तोत्र कवच आदि हमें नहीं याद है और मोबाइल में डाउनलोड है तो उस पुस्तक के समान नहीं। अच्छा महाराज एक प्रश्न आ गया मन में, जैसे हम ग्रंथ का पाठ करते हैं, उसका पूजन करते हैं, जल का छींटा भी डालते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, तो मोबाइल में कैसे? वो विधा मोबाइल में नहीं। वो पुस्तक तो असल में मैं एक बात जोड़ दूं इसमें, मैंने महापुरुषों सुना था एक बार, तीन चीजें प्रिय से प्रियतम को भी अपनी नहीं देनी चाहिए। जिस आसन पर बैठ करके भजन करते हैं जीड़ सीड़ भले हो जाए उस पर फिर कपड़ा जोड़ करके, लेकिन कोई मांगता है तो नया दे देंगे ला करके, लेकिन ये नहीं देंगे। जिस माला पे हम भजन करते हैं कितनी जीड़ सीड़ हो जाए टूट जाए दोबारा बनवा लेंगे, कोई मांगता है तो दूसरी माला ला के हम दे देंगे नहीं। तो आसन माला और तीसरी पुस्तक, भले ही वो जीड़ सीड़ हो गई, जो पाठ की पुस्तक नित्य नेम की, जो नित्य नेम की पुस्तक अध्ययन के लिए जो ग्रंथ रखे वो दे सकता है, लेकिन जो नित्य नेम की, नित्य नेम की पुस्तक है उसको किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें दैव शक्ति आ जाती है, वो सिद्ध हो जाती है। ये तीनों चीजें साधन करते करते सिद्ध हो जाएगी, पुस्तक अपने आप अर्थ देने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पाठ करते करते तो ये चीज नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, दोबारा बनवा लीजिए उसको, वही हाँ कोई मोती खंडित हो जाए वहाँ एक्स्ट्रा कर लो और दोबारा बनवा लो, तो दूसरे ले लो, लेकिन उसको पूजने ही कोशिश ये रहनी चाहिए पवित्र हो गई, उसको चिपका करके भी हम काम चलाएं, लेकिन बिल्कुल ही जीड़ सीड़ हो जाए तो गंगा जी प्रवाहित कर दें।